हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसके सिलेक्शन मेथड और ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। तो देखिए, आज का सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सा बीमारी नहीं होती है। ऑप्शन कॉलरा, टाइफॉइड, अस्थमा, डायरिया दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है और हमें बताना है। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। बात करते हैं अब BPCL की आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे जो नेम ऑफ पोस्ट है वो क्राफ्ट्समैन यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट और प्रोसेस टेक्नीशियन के लिए आई हुई है। ये आपका मुंबई रिफाइनरी जो BPCL का प्लांट है वहाँ पे आई हुई है। तो अब हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पे मैकेनिकल की 15 है, इलेक्ट्रिकल की जो है 2 है और इंस्ट्रूमेंट की 3। देन प्रोसेस टेक्नीशियन की बात की जाए तो यहाँ पे 5 पोस्ट है। अब हम जानेंगे क्या है इसका पेमेंट सैलरी। तो यहाँ पे जो सैलरी प्रोवाइड की जा रही है उसमें आपका 41,000 तक जो है सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ जो अलग अलाउंस वगैरह होता है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एज लिमिट की बात किया जाए यहाँ पे तो एज लिमिट जो है मिनिमम जो है 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल SC ST को और 3 साल जो है OBC को, वो यहाँ पर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, देखिए 60% मार्क रखा है जिस ब्रांच के लिए आप एलिजिबल हैं। जैसे डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा में 60%, मैकेनिकल ब्रांच में या फिर पॉलिटेक्निक में 60%। जैसे आप इलेक्ट्रिकल बनना चाहते हैं तो वहाँ पर 60% इन इलेक्ट्रिकल में। और यहाँ पर साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। तो एक्सपीरियंस जो है, देखिए यहाँ पर जो जैसे लोग कुछ बोलते हैं कि अप्रेंटिसशिप करने से क्या फ़ायदा होता है, देखिए अप्रेंटिसशिप का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप को लेकर 5 साल जो है मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो देख लीजिए, जैसे मैकेनिकल के लिए जो मांगा गया एक्सपीरियंस वो 5 साल का इंक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप, जिसमें पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन यहाँ पे इलेक्ट्रिकली बात किया जाए तो इलेक्ट्रिकल में जो है 60% रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे जो है इसमें भी जो है 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है जिसमें आपका अप्रेंटिसशिप भी इंक्लूड होगा। अगर आपका 2 साल का अप्रेंटिसशिप है तो 2 साल का जो एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा एज ए अप्रेंटिसशिप को। तो इसी तरह इंस्ट्रूमेंट में भी एक्सपीरियंस मांग रखा है। मतलब ये जो पूरी वैकेंसी है वो बेसिकली एक्सपीरियंस बेसिस पे है। तो यहाँ पे 60% मांगा हुआ है डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक में। अगर आपका है तो आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। देन हम बात करेंगे, अब हम सिलेक्शन मेथोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे दो तरह का, मतलब दो प्रोसेस है सिलेक्शन के लिए। तो पहला प्रोसेस जो है आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट में क्या है कि उन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो पहले उनके डिप्लोमा के परसेंटेज के बेसिस पे उनको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटर्न टेस्ट के लिए। तो रिटर्न टेस्ट में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव बेसिस में रहेंगे, आपके टेक्निकल से पूछे जाएंगे। देन यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपका मैथमेटिक्स यानी कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग से और बेसिक इंग्लिश के लैंग्वेज के जो है क्वेश्चन रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स करने के लिए क्राइटेरिया भी बनाया जाएगा। जैसे 40% जो है जनरल OBC के लिए और जो SC ST के लिए 30%, ऐसा कुछ क्राइटेरिया भी बनाया जाएगा रिटर्न टेस्ट में। देन जो रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई होगा उसको जो है दूसरे एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो एक दूसरा एग्जाम जो होगा स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो आपके प्रैक्टिकल बेसिस पे या आप प्रैक्टिकल नॉलेज पे जो है आपका स्किल टेस्ट होगा। और ध्यान रखिएगा, इसका जो सेंटर है वो रखा जाएगा, वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। डिपार्टमेंट जो है अभी डिस्क्लोज नहीं किया है कि कब और एग्ज़ाम होगा और कहाँ पे एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपको जो है इन्फॉर्मेशन वो मेल के थ्रू या वेबसाइट के लिंक के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं या फिर आप जो है डायरेक्ट भारत पेट्रोलियम के लिंक पे कैरियर पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे ये नोटिफिकेशन और साथ ही साथ सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी वहाँ पे। आप वहाँ से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि जिन कैंडिडेट जो कैंडिडेट जो हैं बी और बीटेक, एमसीए और बीसीए वगैरह कर रखे हैं तो वो जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, यानी कि हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और ध्यान रखिएगा, जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, जैसे कि जो मैकेनिकल इंजीनियर के डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, वो जो है जैसे कि उनका स्पेशलाइजेशन मान लीजिए प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल है या फिर अदर स्पेशलाइज्ड हैं, तो वो जो है मैकेनिकल ब्रांच में, यानी कि जो मैकेनिकल ब्रांच की यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है उसके लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए तब जाके एलिजिबल है। देन इलेक्ट्रिकल की बात किया जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के कैंडिडेट, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। प्रोडक्शन की बात किया जाए यहाँ पे तो प्रोडक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे जैसे कि शुगर टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी, ये सारे जो कैंडिडेट हैं ये जो है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं एलिजिबल हैं। तो ये ध्यान रखेंगे फॉर्म को फिलअप करने से पहले। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म है आपका स्टार्ट हो रहा है 29 सितंबर से, इसका लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा। 29 सितंबर से इसका जो फॉर्म है आप फिलिंग का वो स्टार्ट हो जाएगा। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है आपका 24 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट है और 29 अक्टूबर से इसका लिंक जो है एक्टिवेट होगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए।
तो ये जो है इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है स्टार्टिंग की वीडियो में उसका भी आप आंसर जरूर लिखें। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।